हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे SBI PO Prelims 2018 मेमोरी बेस्ड रीजनिंग पेपर। मेमोरी बेस्ड रीजनिंग पेपर का ये छठा और फाइनल पार्ट है। अगर पहले पांच पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल वर्चुअस पे जाके वो पांचों पार्ट देखिए, जिनमें हमने बचे हुए सारे सवाल डिस्कस किए हैं, चाहे वो पजल्स हो, चाहे वो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, इनपुट आउटपुट हो, हर तरह के जो सवाल आपके 1 जुलाई को रीजनिंग के पेपर में पूछे गए थे डिटेल में और अच्छे से कि कैसे टाइम के अंदर सॉल्व किया जाए और कौन कौन से सवाल है जो किए जा सकते हैं और कौन कौन से सवाल है जो हमें छोड़ने चाहिए, ये भी मैंने आपको एडवाइस दी है, आपको बताया है कि किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये सेशन सिर्फ 7 और 8 तारीख को जिनका एग्जाम है उन्हीं के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने 1 तारीख को ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है उनके लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्जाम्स यहीं पर खत्म नहीं हो रहे, बैंक के और भी बहुत सारे एग्जाम्स अभी आना बाकी है और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो SBI PO से बड़ा लेवल आपको और कोई एग्जाम ही नहीं मिलेगा, तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बाकी एग्जाम्स आपके लिए रिलेटिवली ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डेटा सफिशिएंसी, मतलब डेटा सफिशिएंसी के जो सवाल 1 जुलाई की शिफ्ट में पूछे गए थे वो आपके लिए लेकर आए हैं। 4 सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है, चारों सवाल हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि 4 में से कौन कौन से सवाल थे जो आप एग्जाम्स में टाइम के अंदर कर पाते हैं। घर पे ही बैठ के सॉल्व करने की बात आती तो सभी सवाल आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, लेवल उतना कोई बड़ा नहीं था, पर कौन सा लेंदी था, कौन सा ज्यादा जितना टाइम आपको दिया गया था उतने के अंदर हो सके, अटेम्प्ट आप कर सके, वो कौन कौन से, तो ये जरूर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला सवाल पढ़िए। पहला सवाल आपके साथ में सामने स्टेटमेंट आपको गिवन है, क्या स्टेटमेंट है, 6 बॉयज JKLMNO आर देयर इन अ क्लासरूम, ईच ऑफ देम इज ऑफ डिफरेंट हाइट्स। तो 6 लड़के आपको दिए हुए हैं जो क्लासरूम में, जिनकी हाइट 6ों की अलग अलग है, ठीक है, कोई भी सेम हाइट का नहीं है, और आपसे सवाल पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट, और बोला गया कि इनमें से सबसे लंबा कौन सा है, और 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। तो आपको बेसिकली बताना है कि क्या स्टेटमेंट 1 अलोन में डेटा गिवन है कि आप टॉलेस्ट निकाल सकते हैं, या 2 में काफी है कि टॉलेस्ट निकाल सकते हैं, या फिर दोनों का यूज करना पड़ेगा, या फिर दोनों का यूज करके भी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 का यूज करते हैं। एम इज टॉलर देन एन एन के, एम किन किन से बड़ा है, एन और के से बड़ा है, ठीक है, लिख लिया। जे इज टॉलर देन एम, जे एम से टॉलर है, बट नॉट एज टॉल एज ओ, पर ओ जितना बड़ा नहीं है जे, अगर ओ जितना बड़ा जे नहीं है तो इसका मतलब ओ जे से बड़ा है, तो ये पूरा का पूरा। एल इज टॉलर देन के, एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, एल इज टॉलर देन के, एल के से बड़ा है, पर एल की पोजिशनिंग इस लाइन के अंदर कहां है ये नहीं पता, बस ये पता है कि के से बड़ा है, ये नहीं पता कि ओ से भी बड़ा होगा या ओ से छोटा होगा, ये पता चल जाता तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता कि कौन सा टॉलेस्ट है, तो यहां पहले स्टेटमेंट से नहीं पता चल पाया। सेकेंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं, एम इज टॉलर देन ओनली 3 बॉयज, एम सिर्फ 3 लड़कों से बड़ा होगा, ओनली 3 बॉयज मतलब 3 लड़कों से बड़ा होगा, तो मतलब इसके पीछे कितने जने होंगे, 1, 2 और 3, 3 लड़के होंगे, ठीक है। जे इज टॉलर देन के, और एक इंफॉर्मेशन और दे दी कि जे इज टॉलर देन के, अब इतने से तो कहां पता चल पा रहा है कि कहां टॉलेस्ट है, कहीं अपने को आगे का क्या सिचुएशन है या ये सबसे आगे कुछ आइडिया नहीं, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब दोनों अलोन से आप नहीं कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि दोनों की इंफॉर्मेशन अगर आपने एक साथ यूज करें तो क्या आंसर निकाल सकते हैं, तो अभी चेक कर लेते हैं दोनों की इंफॉर्मेशन। ओ ग्रेटर देन जे ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एन कॉमा एन तो पहले से था, अब दूसरे से काम की इंफॉर्मेशन क्या आ रही है कि एम के पीछे 3 जने हैं, सॉरी एम के पीछे 3 जने हैं, तो इसका मतलब ये 2 तो थे, इसके अलावा और कौन 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 और आ जाएगा, एल ही तो बचा, तो इसका मतलब एल भी यहीं कहीं होगा, पर एल के से बड़ा रहेगा, तो बेसिकली एम एल एन के एम के पीछे रहेंगे, आगे कौन कौन है, जे और ओ, तो टॉलेस्ट कौन सा आ रहा है, दोनों का यूज करके ओ आ रहा है आपका आंसर, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों यूज करने पड़े, ऑप्शन ई।
ठीक है, तो ये आप आराम से पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। वो तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, नॉर्मल आप पेपर में अटेम्प्ट करते तो इससे काफी जल्दी कर लेते, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। एकदम बेसिक लेवल की ऑर्डरिंग थी, बेसिक लेवल में आपको ऑर्डरिंग करनी थी हाइट के बेसिस पे, जो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सवाल देखेंगे, सेकेंड सवाल पढ़िए, सॉरी सेकेंड सवाल पढ़ेंगे। सिक्स पर्संस STUVW lives on a six story building such as ground floor is numbered as 1 and above it is 2 second floor and so on up to top floor numbered as 7. How many persons lives between R&T? R&T के बीच में कितने जने रहेंगे अगर 6 लोग six story building में रहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट 1 से हम क्या ऑर्डर बना सकते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इन्फॉर्मेशन देखते हैं। T lives on an even numbered floor but not on top floor. Top floor पे नहीं रह सकता पर even number पे, तो even number कौन सा है? 4 even number है, 2 even number है, तो दोनों पे T आ जाएगा। आगे बढ़िए। Only two persons live between W and T. दो ही जने रहते हैं W और T के बीच में, तो अगर T यहां था तो W कहां जाएगा? ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे जा सकता है, तो W आ जाएगा आपका यहां पर। और अगर T यहां होगा तो W कहां जा सकता है? नीचे तो नहीं जा सकता, ऊपर की तरफ होगा, दो जनों को छोड़ के इधर W बना दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। R lives below W. R W के नीचे रहता है, तो W के नीचे R रहेगा, तो सबसे पहले इसका देखते हैं। W के नीचे R है तो नीचे तो कोई पोजीशन ही नहीं है, नीचे तो आपको दिख रहा है कि कोई पोजीशन नहीं, तो इसका मतलब W की पोजीशन यहां नहीं होगी, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। अब ये W बचता है, अब इसके नीचे R रहेगा, R lives below W, तो R यहां भी रह सकता है, R यहां भी रह सकता है, आर यहां भी रह सकता है और आर यहां भी रह सकता है, तो नीचे रहना है तो कहीं भी रह सकता है। ठीक है, अब पूछा क्या गया था, आर और टी के बीच में कितने जने रहेंगे, तो आर की पोजीशन भी बहुत सारी है, टी की पोजीशन भी, दो टी की पोजीशंस भी आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आर की पोजीशंस खूब सारी है और टी की पोजीशंस भी खूब है, नहीं टी की पोजीशंस खूब नहीं होगी क्योंकि एक डब्ल्यू की पोजीशन हमने यहां कैंसिल आउट की थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग टी की पोजीशन भी कैंसिल आउट हो जाएगी। कौन से वाली, चेक करके बताइए, ये वाली, तो इधर T की पोजीशन भी हमारी कैंसिल हो चुकी है, तो T की पोजीशन तो हमारी फिक्स आ चुकी है कि सेकंड पर ही होगी, पर क्या R की पोजीशन फिक्स्ड है? नहीं, क्योंकि हमें बेसिकली सिर्फ ये बोला गया था R W के नीचे रहेगा, इमीडिएटली नीचे रहेगा, दो प्लेसेस नीचे रहेगा, तीन प्लेसेस नीचे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं पता है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन से आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब हम क्या देखेंगे, स्टेटमेंट 2 में देखेंगे, वही नंबरिंग लिखेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, फोर पर्सन लिव्स बिटवीन एस एंड यू, एस एंड यू के बीच में चार जने रहते हैं, तो इसका मतलब एस और यू की पोजिशनिंग कहां रहेगी, टॉप और बॉटम में, तभी तो चार जने फिट आएंगे बीच में, तो एस कहां हो सकता है, टॉप पे भी हो सकता है, यू भी टॉप पे हो सकता है, और या तो बॉटम पे हो गए दोनों के दोनों, सॉरी पहले यू लिख लेते हैं फिर एस लिख लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो वन लिव्स बिटवीन एस एंड टी, कोई भी एस और टी के बीच में नहीं रहता है, तो एस अगर यहां है तो टी कहां जाएगा, यहां जाएगा, ऐसा अगर यहां है तो टी कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो टी की भी दो पोजीशन आ गई। आगे बढ़े, वी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, वी आर के जस्ट ऊपर रहता है, तो ठीक है आर कहां आ सकता है, यहां आ सकता है, तो उसके जस्ट ऊपर क्या जाएगा, वी आ जाएगा, आर यहां भी आ सकता है, तो वी कहां जाएगा, यहां जाएगा, आर कहां आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो वी कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो R और V की मल्टीपल पोजीशंस आपके पास आ चुकी है और S और U की भी आपके पास मल्टीपल पोजीशंस है। आपको फाइंड क्या करना था, R और T के बीच में कितने जने होंगे, तो ना R की पोजीशन फिक्स है ना T की पोजीशन स्टेटमेंट 2 में तो फिक्स है, तो इसका मतलब आप ये फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेटा इनसफिशियंट है, सफिशियंट नहीं है, तो सेकंड भी गलत हो गया। अब सवाल आता है कि क्या दोनों का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं, तो दोनों का कंबाइंड देखते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं अच्छे से देखिए 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो सबसे पहले डेटा जो स्टेटमेंट 1 से हमें जो पक्का पता था वो चीजें देखते हैं। फिफ्थ पोजीशन पे W है, ये हमें पक्के से पता था, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे पक्के से आ रहे हैं, ये भी हमें पता था। सेकंड पोजीशन पे T हो सकता है या फर्स्ट पोजीशन पे, सॉरी सेकंड पोजीशन पे T होगा, ये भी हमें पक्के से पता चला, ठीक है। बाकी चीजें हम अब स्टेटमेंट 2 से निकालेंगे। अब ये हमें पता है कि V lives immediately above R, V R के जस्ट ऊपर रहता है, तो V की पोजीशन भी एकदम
पक्का हो चुकी है, वी की पोजीशन भी क्या हो चुकी है, एकदम पक्की हो चुकी है। और हमें बेसिकली क्या निकालना था कि आर और टी के बीच में कितने जने रहते हैं। तो आके आपको अरेंज करने की भी जरूरत नहीं, अगर आर और टी की पोजीशन आप फिक्स कर चुके हैं तो देख लीजिए, तो आर और टी के बीच में कितने जने आ रहे हैं, कोई भी नहीं। तो नो वन लिव्स बिटवीन आर एंड टी, इसका मतलब आप स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू का यूज करके आंसर दे पा रहे हैं, तो ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा सवाल देखिए, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले पहले स्टेटमेंट का यूज करके देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। सवाल पढ़िए पहले ऊपर वाला। सिक्स पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड कौन होगा, अगर छह जने एक रो में बैठ रहे हैं और सबके सब नॉर्थ फेसिंग। तो देख लेते हैं, नॉर्थ फेसिंग करवा देते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, बी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो पे सिट करता है, तो लेफ्ट पे भी सिट कर सकता है, राइट पे भी शिफ्ट कर सकता है, मतलब यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए बी के सेकंड राइट बैठता है, तो अगर यहां होगा तो यहां तो कोई राइट है ही नहीं, इसका मतलब बी यहां नहीं बैठेगा, बी यहीं बैठना होगा तभी तो राइट में कोई आएगा। बी के सेकंड राइट में कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए यहां सेट हो गया। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी, तो इस तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि एक छोड़ के तो बी पहले से ही है, इस तरफ जाएंगे मतलब राइट साइड जाएंगे, एक छोड़ा और ये आ गया आपका सी बैठ गया। E sits immediate right of C. E immediate right पे बैठ रहा है C के, ठीक है। हमें निकालना क्या था, Who sits second to second from the right hand? तो right hand ये है, इसका first ये है, second ये है, तो second पे कौन बैठ रहा है, C बैठ रहा है। आराम से आप सिर्फ पहले statement से ही answer निकाल पा रहे हैं। अब चेक करते हैं क्या पता statement 2 के सिर्फ यूज करके भी आप आंसर निकाल पाए। E sits third to the right of D. तो D को यहां सेट कर दीजिए और एक दो तीन यहां पर E बैठ रहा है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड डी, तो ए यहां पर भी सेट हो सकता है और ए यहां पर भी सेट हो सकता है, दो दो पोजिशन आ गए। एफ सिट्स टू द राइट ऑफ ई, एफ ई के राइट में सिट करता है, तो यहां भी सिट कर सकता है या यहां भी सिट कर सकता है, दो दो जगह एफ के लिए आ रही है आपकी, ठीक है। सी इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ ई, सी इमीजिएट नेबर है ई का, तो सी यहां भी सेट हो सकता है और सी यहां भी सेट हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था, हु सिट्स फ्रॉम द राइट एंड, तो कोई भी बैठ सकता है, मल्टीपल केसेस आ रहे हैं, मल्टीपल केसेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट टू में इनफ डेटा नहीं है आंसर देने के लिए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, डेटा इन स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट डेटा इन स्टेटमेंट टू इज नॉट अलोन इज नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब पहले स्टेटमेंट में इनफ डेटा है आंसर करने के लिए पर सेकेंड में अलोन इनफ नहीं है आंसर करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फाइनल चौथा सवाल देखेंगे। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का डेटा सफिशियंसी का सवाल पूछा है और इस बार हमारे पास तीन तीन स्टेटमेंट दिए मैंने। सबसे पहले ऊपर क्या दिया हुआ है, नाउ दे लिव फोर इज कोडेड कुछ इस तरह, गो नाउ रन फोर इज कोडेड कुछ इस तरह, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अमॉन्ग द गिवन इज रिक्वायर्ड टू कोड फॉर गो देयर नाउ। तो हमें गो देयर नाउ का कोड पता करना है और बोला गया है कि तीनों में से कौन सा कितने कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शंस नीचे गिवन है उसके अकॉर्डिंग टू आंसर द क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, जो ऊपर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, नाउ दे लिव फॉर और गो नाउ रन फॉर, तो इन दोनों का यूज करके आप किन किन का कोड निकाल पा रहे हैं। तो इन दोनों का अगर आप अच्छे से देखें तो कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों के अंदर, फोर कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब गो नाउ रन का कोड हमें पता है, गो नाउ रन का कोड पता है। कैसे पता है, इसमें से सिर्फ फोर को हटा दीजिए, फोर का कोड क्या रहेगा, जीएन रहेगा, फोर का कोड जीएन है, तो बचे हुए इन तीनों का कोड क्या आ रहा है, एस वाई एम ओ आई टी, ठीक है। अब इनमें से अपने को कितने की जरूरत थी, गो नाउ की जरूरत थी, तो इसका मतलब सिर्फ रन को हटाने की जरूरत है, ठीक है। रन को हटा पा रहे हैं क्या, अभी तक तो नहीं हटा पा रहे, आगे देखते हैं। अब हमें जरूरत किसकी है, देयर की जरूरत है, एक्चुअली हमें कौन से कोड की जरूरत है, देयर की जरूरत है। देयर कहाँ कहाँ आ रहा है, देयर एक तो आ रहा है आपका स्टेटमेंट टू में और देयर आ रहा है स्टेटमेंट टू में और स्टेटमेंट थ्री में आ रहा है। तो स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री का अगर यूज करें तो देयर का कोड आ जाता है, देयर का कोड आ रहा है। स्टेटमेंट थ्री और स्टेटमेंट टू को यूज करें, क्या कोड आ रहा है, जल्दी बताएंगे क्या कोड आ रहा है, जी ए आपका देयर का कोड आ रहा है। तो
तो देयर भी निकल गया, बस यही तो जरूरत थी। अब आप बोलेंगे कि सर रन कैसे हटाएंगे, रन हटाएंगे वही किसको यूज करके, स्टेटमेंट थ्री को यूज करके, थ्री को यूज कर लीजिए सेकेंड इस वाले स्टेटमेंट के साथ, तो आपका रन भी